आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य से नव निर्वाचित कांग्रेस सांसद आगामी मानसून सत्र में विभाजन के वादों को प्राथमिकता के आधार पर हासिल करने पर जोर देंगे। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी जल्द ही सभी 8 नव निर्वाचित सांसदों के साथ बैठक कर सकते हैं। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बीआरएस और बीजेपी दोनों ने पिछले एक दशक से तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में शामिल विभाजन के वादे अधूरे हैं, जबकि भाजपा वादों को पूरा करने में उदासीन रही। बीआरएस सत्ता में अपने 2 कार्यकाल के दौरान इसे आगे बढ़ाने में विफल रही और विभिन्न मुद्दों पर केंद्र की लाइन का पालन करने में भी विफल रही। सीएम जो कार्यान्वयन के बारे में विशेष हैं और कई मौकों पर इस मुद्दे को उठाते हैं, इस बार विशिष्ट हैं, क्योंकि तेलंगाना की कांग्रेस के पास अब 8 सांसद हैं। उन्होंने इस प्रयास में स्पष्ट दिशा दी। उम्मीद है कि सांसद काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना और बेयाराम में स्टील फैक्ट्री की स्थापना पर जोर देंगे। बीआरएस नेता टी हरीश राव ने मंगलवार को सरकार से सहायक कार्यकारी इंजीनियरों को तुरंत नियुक्ति देने की मांग की है। हरीश राव ने ट्वीट पर कहा कि यह दुखद है कि सहायक कार्यकारी अभियंता पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सरकार ने अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस गांधी भवन पर विरोध प्रदर्शन कर रहे एईई उम्मीदवारों के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। राव ने कहा कि बीआरएस सरकार ने एईई पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और विभिन्न चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। हालांकि राज्य लोक सेवा आयोग ने मार्च में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का पूरा काम कर लिया था, लेकिन सरकार अभी भी नियुक्ति दस्तावेज जारी नहीं कर रही है। राव ने कहा, हम मांग करते हैं कि सरकार को तुरंत जवाब देना चाहिए और एईई पदों के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दस्तावेज सौंपना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच नई दोस्ती पार्टी के मुस्लिम नेताओं के बीच कुछ घबराहट पैदा कर दी है। उनमें से एक वर्ग भविष्य के लिए मुस्लिम नेताओं को तैयार करने के बजाय मुस्लिम वोटों और समर्थन के लिए AIMIM पर भरोसा करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहा है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम समर्थकों से कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा। जब कांग्रेस खराब स्थिति में होगी तो पार्टी में अल्पसंख्यक वोट पाने में मदद करने के लिए कोई मुस्लिम चेहरा नहीं होगा। AIMIM को अपने साथ रखने का मतलब है कि पार्टी में मुस्लिम नेतृत्व नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में AIMIM को कांग्रेस के लिए प्रचार करने से भी पार्टी को ज्यादा मदद नहीं मिली है। वास्तव में कुछ सीटों पर, क्योंकि ओवैसी ने खुले तौर पर कुछ सीटों पर मुसलमानों से कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा, इसका उल्टा असर हुआ, क्योंकि इससे हिंदू वोट भाजपा की ओर एकजुट हो गए। हर कोई जानता है कि हैदराबाद के बाहर AIMIM का प्रभाव सीमित है, इसलिए हमें ओवैसी की जरूरत नहीं है। राज्य नेतृत्व को इसकी जानकारी है, लेकिन वे फिर भी AIMIM की मदद चाहते हैं। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आज शाम 7 बजे प्रदर्शनी मैदान नामपल्ली के पास फलस्तीन के साथ एकजुटता से खड़े हो रैली आयोजित करने के लिए तैयार है। एक्सपर्ट संगठन की एक पोस्ट में कहा गया है कि गाजा में हमारे लचीले भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े होने के लिए एक शक्तिशाली एकजुटता सभा बने। हाल ही में दिशा छात्र संगठन और नौजवान भारत सभा के साथ स्थानीय लोग इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रविवार 3 जून को यहाँ सामने आए थे। समूहों ने हत्याओं के खिलाफ सुंदरिया पार्क बाग लिंगमपल्ली में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक 37,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से कई बच्चे शामिल हैं। लगभग 84,494 लोग अभी भी घायल हैं और 10,000 से ज्यादा लोग अभी वहाँ लापता है। माधवपुर पुलिस ने आज माधवपुर के मोश पब में ग्राहकों से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 8 स्मार्टफोन और 2 कारें भी जब्त की है। डीसीपी माधवपुर डॉक्टर विनीत ने कहा, गिरफ्तार किए गए लोगों ने अच्छी दिखने वाली महिलाओं को अपने साथ काम करने के लिए नामांकित किया और ग्राहकों को मोश पब में लुभाने के लिए और उन्हें महंगे पे पर भी खर्च करने के लिए अच्छा कमीशन दिया। मामले के 6 संदिग्धों ने दिल्ली में एक क्लब संचालित किया और राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य शहरों के क्लबों में भी यही कार्यप्रणाली लागू की। गिरोह ने उन पबों को चुना जो खराब राजस्व दर्ज करते हैं और प्रबंधन के साथ सौदा करते हैं। पैसा उनके बीच साझा किया जाता है। तेलुगु देशम पार्टी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू आज चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।
विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बंडी संजय कुमार के साथ साथ कई अन्य नेता शामिल रहे। चंद्रबाबू नायडू के बाद जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू की सरकार में डिप्टी सीएम को मिलाकर 23 मंत्री हैं। टीडीपी से 19, पवन कल्याण समेत जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री हैं। एक पद अभी खाली रखा गया है। 2024 की ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। यहां तेलुगु देशम पार्टी ने जनसेना और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तीनों दलों ने मिलकर जगन मोहन रेड्डी की सरकार को बुरी तरह से हराया। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए को 175 में से 164 सीटें जीत मिली है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 135 सीटें, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और भाजपा को 8 सीटें मिली। वहीं जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को सिर्फ 11 सीटें ही मिली। आगे आपको बता दें कि कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह द्वारा तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को सख्त लहजे में इशारे करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे अफवाहें उड़ रही हैं कि शाह हाल के घटनाक्रमों पर सुंदरराजन को चेतावनी दे रहे थे। वीडियो में सुंदरराजन को मंच पर जाते हुए और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और शाह का अभिवादन करते हुए दिखाया गया है, जो एक दूसरे के बगल में बैठे थे और जैसे ही वो उनके पास से गुजरी शाह उन्हें बुलाते हैं। इसके बाद जो कुछ हुआ है उसने नेटिजन्स की कल्पना को पकड़ लिया है, जिसमें शाह को काफी उत्तेजित तरीके से बात करते हुए देखा जा सकता है। अमित शाह को मंच पर सुंदरराजन पर उंगली से काफी एनिमेटेड इशारे करते हुए देखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा की तमिलनाडु इकाई की स्थिति पर एक तमिल मीडिया हाउस में सुंदरराजन की हालिया टिप्पणियों की वजह से शाह की प्रतिक्रिया आई है। सुंदरराजन ने कहा था कि हाल ही में तमिलनाडु में कई असामाजिक तत्वों को भाजपा में शामिल किया गया था। उन्होंने परोक्ष रूप से पार्टी के तमिलनाडु राज्य अध्यक्ष के अन्नामलई के नेतृत्व पर कटाक्ष किया था। सुंदरराजन और अन्नामलई, जो दोनों तमिलनाडु में हालिया चुनाव हार गए, अन्नामलई के फैसलों और कामकाज के तरीकों को लेकर आमने सामने हैं। उनके समर्थक भी खुली बहस में शामिल हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी का यह पहला केरल दौरा है। मल्लापुरम में सभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड सीट छोड़ना या रायबरेली यह मेरे लिए धर्म संकट है। मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रही है, मैं साधारण मनुष्य हूँ। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरी भगवान है। मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। राहुल ने कहा कि केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया कि संविधान हमारी आवाज है और वे इसको छू नहीं सकते। देश की जनता ने पीएम को बताया कि वे तानाशाही नहीं कर सकते। चुनाव से पहले भाजपा के नेता कहते थे कि वो संविधान को फाड़ देंगे। अब चुनाव के बाद मोदी संविधान को सिर से लगाते हैं। मोदी वाराणसी में मुश्किल से जीत पाए हैं, भाजपा अयोध्या में भी हार गए। नफरत को मोहब्बत ने हरा दिया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।